इंकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया, पंजाब वाले हो तुसी कमाल कर दिता। वी ऑल लव यू पंजाब। आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है। भगत सिंह ने एक बारी कहा था, भगत सिंह ने कहा था आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला, केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था। लूट रहे थे देश को, कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने यह सिस्टम बदला है, हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है, हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। अब बच्चों के स्कूल बनने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। ये लोग सारे मिलके बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारी ताकतें मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए, कितना रोज सुनते थे ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहां से ट्रांसफर। सारे इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सब इकट्ठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए चाहे कोई पार्टी आ जाए। सबका एक ही मकसद था, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कोई भी पार्टी आ जाए। बड़े बड़े षड्यंत्र किए इन लोगों ने। अंत में ये सारे इकट्ठे होके बोले केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है, केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके। दोस्तों आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है,
हम सब लोगों को संकल्प लेना, एक नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मां बहनें सुरक्षित होंगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे, मुझे बड़ा दुख होता है आज आजादी के 75 साल के बाद हमारे बच्चों को मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए यूक्रेन जैसे छोटे से देश में जाना पड़ता है। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे खूब सारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, खूब सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां से भारत के बच्चों को यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे। आज बहुत सारे लोग मेरे को टीवी में देख रहे होंगे, जो जो लोग मेरे को टीवी में देख रहे हैं, जितनी महिलाएं देख रही हैं, मेरी मां बहनें देख रही हैं, जितने युवा देख रहे हैं, जितने किसान देख रहे हैं, जितने मजदूर देख रहे हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे हैं, जितने व्यापारी देख रहे हैं, जितने लोग आज टीवी पे मुझे देख रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग, मैं जानता हूं जब आप देखते हो कि किस तरह से नेता और पार्टियां मिलकर देश को लूट रहे हैं, आपके दिल में भी बड़ा दुख होता है, आपको बहुत गुस्सा आता है इन लोगों के खिलाफ, आप भी कुछ करना चाहते हो। आज समय आ गया है, पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब यह इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। जो जो लोग आज ये टीवी देख रहे हैं, सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे युवा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे किसान आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपति, सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। आपको लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं, एक आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। उनकी माताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं। उनके पिताजी खेतों में मजदूरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति ने चरणजीत सिंह चन्नी को आज चुनाव में हराया है। आपको पता है नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया है? हमारी एक महिला वॉलंटियर है, आम महिला है, आम वॉलंटियर है, जीवन ज्योत कौर। उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया। तो दोस्तों, आम आदमी बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूं, इस आम आदमी को चुनौती मत दो। ये जिस दिन खड़ा हो गया, बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगे। तो आज मैं सब लोगों को, देश के लोगों को आह्वान करता हूं, अपनी ताकत को पहचानो, खड़े हो जाओ। अब इंकलाब लाना है देश के अंदर, समय आ गया है भारत का। 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिए, अब और टाइम खराब नहीं करना। सब लोगों को, सब लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी इंकलाब का नाम है। आम आदमी पार्टी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का नाम है। मैं आज मेरे छोटे भाई भगवंत सिंह मान जी को पंजाब का सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो उम्मीद 90 के पार सीट हो चुकी है, अभी तक, अभी नतीजे और आ रहे हैं, इतना बड़ा बहुमत, इतना बड़ा बहुमत, ये डर भी लगता है।
लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई है, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है, इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना, सबको पूरा करना है। तो एक तो ये कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, मैं बार बार कहता हूं, हमें घमंड नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना, हमें बदतमीजी नहीं करनी। ये लोग हमें गालियां देंगे, इन्होंने चुनाव में मेरे को कितनी गालियां दी, केजरीवाल के कपड़े खराब हैं, केजरीवाल काला है, केजरीवाल अंग्रेज है, केजरीवाल पता नहीं क्या क्या आतंकवादी है। हमें इन गाली का जवाब गाली से नहीं देना, हमें इस देश की राजनीति बदलनी है। कोई आपको गाली दे तो बोलो जी गाली आपकी, आपको मुबारक, मैंने स्वीकार ही नहीं की आपकी गाली। हमें प्यार और मोहब्बत की राजनीति लेके आनी है, हमें सेवा की राजनीति करनी है। कहीं कोई बीमार दिखे, कहीं कोई मुसीबत में दिखे, उसकी मदद करो, हमें सेवा की राजनीति करनी है। मैं अभी अभी हनुमान जी के मंदिर से आ रहा हूं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया था, उनका आशीर्वाद लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय भारत का समय है, और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। भारत मत